मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसिडिटी के बारे में कि आखिर एसिडिटी क्या है, ये क्यों होती है, इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और किन होम्योपैथिक दवाइयों के माध्यम से हम एसिडिटी को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स आजकल लोगों की सबसे प्रमुख समस्या बनता चला जा रहा है, जिसमें सीने के निचले हिस्से में जलन होती है और कभी कभी खाना स्टमक से वापस मुंह में आ जाता है। ये एसिडिटी आखिर होती क्या है और ये क्यों होती है? तो हम जो खाना खाते हैं वो ईसोफेगस से यानी कि आहार नली से होते हुए स्टमक में जाता है। वहाँ पर स्टमक में जो ग्लैंड्स होती हैं म्यूकोसा में, उन ग्लैंड्स से एक एसिड सीक्रेट होता है ताकि उस खाने में यदि कोई जर्म्स हो गए हों तो उस जर्म को खत्म किया जा सके। मैकेनिज्म है, खाने को पचाने की जो मैकेनिज्म है उसको स्टार्ट किया जा सके। तो ये जो एसिड होता है ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी वो जो ग्लैंड्स होती हैं जो स्टमक में मौजूद हैं वो एसिड को ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट करने लगती हैं, और जब वो ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट होने लगता है तो हमारे स्टमक में इकट्ठा होकर रह जाता है, जिसे कि हम एसिडिटी कहते हैं। अब हम जानते हैं कि एसिडिटी किन लोगों में ज़्यादा होती है। वो लोग जो अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं, जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है, जो स्पाइसी फूड और नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाते हैं, जिन लोगों को एनएसएड्स यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यानी कि दर्द निवारक दवाइयाँ खाने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, वे महिलाएं जिनमें मीनोपॉज होने वाला है या वे महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं और देर रात में खाना खाने वाले लोग और खाना खाकर तुरंत सो जाने वाले लोग, ये वो लोग हैं जिनमें एसिडिटी की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। आइए अब हम जानते हैं कि एसिडिटी के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो एसिडिटी के जो सिम्टम्स हैं वो बहुत कॉमन हैं, जैसे कि स्टमक में, थ्रॉट में और हार्ट के एरिया पे जलन होना, खाने को निगलने में यानी कि स्वेलो करने में तकलीफ होना, खाना वापस स्टमक से मुंह में आ जाना, खट्टी डकारें आना, बेचैनी होना, उल्टी की इच्छा होना, मुंह में कड़वापन आ जाना, अपच हो जाना और कभी कभी कई लोगों में कब्ज भी हो जाती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आखिर हम एसिडिटी को होने से कैसे रोक सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि हमें अल्कोहल का बहुत ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, स्पाइसी फूड और नॉनवेज का बहुत ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, एनएसएड्स यानी कि दर्द निवारक दवाइयों को बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए, खाना खाने के और सोने के बीच में लगभग 3 घंटे का गैप होना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं किन होम्योपैथिक दवाइयों से हम एसिडिटी को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो लोग जिनमें एसिडिटी के दूसरे सिम्टम्स जैसे बर्निंग आदि के साथ साथ यदि उनके पेट में डिस्टेंशन बहुत ज़्यादा होता है, वो लोग ऐसी फीलिंग उन लोगों को होती है कि एक या दो निवाले खाते ही उनके पेट में बहुत ज़्यादा भारीपन हो जाता है, पेट उनका फूल जाता है, तो उस कंडीशन में हमें कार्वोबेज 30 पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए। इसकी 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को लगभग 3-4 दिन लेने से हमें एसिडिटी में बहुत अच्छा रिलीफ मिल जाता है। दूसरी मेडिसिन है पल्सेटिला। वो लोग जो फैटी फूड यानी कि तेल तला चिकना पदार्थ जैसे पुड़ी पराठे बिल्कुल भी नहीं खा पाते हैं, वो थोड़ा सा ही यदि कभी पुड़ी खा ली या कभी पराठे खा लिए या कोई और तेल में तली हुई या घी में तली हुई चीज़ उन्होंने खा ली और उनको तुरंत एसिडिटी हो जाती है, उस कंडीशन में पल्सेटिला बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसे हमें 30 पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए। इसकी भी 2 बूंद सुबह शाम 1 चम्मच पानी में मिलाकर लेने से एसिडिटी में बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। तीसरी मेडिसिन आती है दोस्तों नक्स वोमिका। नक्स वोमिका होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो कई सारी कंडीशंस में यूज़ की जाती है। आपने अभी मेरे पिछले वीडियोस में देखा होगा कि नक्स वोमिका की जो पेशेंट्स हैं वो हमारे आसपास बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। तो वे लोग जो बहुत ज़्यादा देर रात तक काम करते हैं, जिनके खाने पीने की कोई टाइमिंग कभी सेट नहीं होती है, जो लोग घंटों एक जगह पर बैठकर काम करते रहते हैं, उन लोगों में यदि एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन में नक्स वोमिका 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को 1 चम्मच पानी में मिलाकर लेने से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। अगली मेडिसिन है दोस्तों रॉबिनिया। रॉबिनिया एसिडिटी के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये स्टमक में बनने वाले एक्सेसिव जो एसिड बन जाता है उसको बहुत हद तक कंट्रोल कर देती है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं, मतलब जब भी पेशेंट को एसिडिटी होती है तो यदि वो लेट जाता है तो लेटने से उसके सिम्टम्स में एग्रवेशन हो जाता है, उसका पेट बहुत ज़्यादा फूलने लगता है और जिस करवट पे भी वो लेटता है उस करवट पे उसे सीने में जलन की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है। तो हमें रॉबिनिया ऐसी कंडीशन में 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को 1 चम्मच पानी में मिलाकर लेना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसका यूज़ करने से
हम पुरानी से पुरानी एसिडिटी की समस्या को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि एसिडिटी आपको कभी कभार होती है, या जब भी आप कहीं बाहर से खाना खाकर आते हैं और आपको एसिडिटी हो जाती है, या आप कहीं पार्टी से आए हैं और आपको एसिडिटी हो जाती है, उस कंडीशन में आप दूसरी हानिकारक दवाओं को से बचकर इस दवा को जब आप यूज करेंगे तो आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा और आपकी एसिडिटी भी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। आप चाहें तो इस कॉम्बिनेशन को नोट कर सकते हैं। इसमें आपको चार मेडिसिन लेकर आना है 30 पोटेंसी में। ये हैं पल्सेटिला, एंटिम क्रूड, रॉबिनिया और कार्बोवेज। इन सब की 7-7 ml की मात्रा को 31 ml की शीशी में आप मिलाकर रख लें, उसको अच्छे से शेक कर लें, और जब भी आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो उसमें से 2 बूंद 1 चम्मच पानी में मिलाकर लें। अपनी इंटेंसिटी देख लें एसिडिटी की कितनी ज़्यादा है। यदि आपको ऐसा लगता है कि 2 बूंद से रिलीफ नहीं मिल पाया है 5-10 मिनट में, तो आप 15-15 मिनट के गैप में 3 बार इसको ले सकते हैं और आप देखेंगे कि लगभग आधे घंटे में आपकी एसिडिटी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। और यदि आपको एसिडिटी के साथ पेट में दर्द है या जलन बहुत ज़्यादा हो रही है तो वो सिम्टम्स भी आपके ठीक हो जाएंगे। इसके साथ साथ यदि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और कई सालों से आप एसिडिटी से पीड़ित हैं, तो इस कॉम्बिनेशन के साथ साथ हाइड्रेस्टिस का मदर टिंचर आप 10-10 बूंद दिन में 3 बार 1 कप पानी में मिलाकर लेना चालू कर दें और आप देखेंगे कि 7-8 दिन में आपकी एसिडिटी की समस्या पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। आगे आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ और बीमारियों के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, इस वीडियो में जो दवाएं बताई गई हैं, यानी कि रॉबिनिया, कार्बोवेज, नक्समोमिका, ये सभी दवाएं आपको हमेशा खाली पेट खाना है। खाली पेट का मतलब होता है कि जब हमने खाना खाया हो तो उसके 2-2.5 घंटे बाद, और या फिर खाना खाने के लगभग आधे 1 घंटे पहले हम इन दवाओं का सेवन कर लें, जिससे ये अपना पूरा प्रभाव दिखा पाती है। ये जो दवाएं हैं ये आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर या फिर ऑनलाइन फार्मेसी पर ही उपलब्ध होंगे। आप यदि इन दवाओं को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी होम्योपैथिक स्टोर, होम्योपैथिक फार्मेसी या फिर ऑनलाइन फार्मेसी पर संपर्क करें। हमारे यहाँ से, हमारे क्लिनिक से किसी भी पेशेंट को ना ही कोई दवा बेची जाती है और ना ही भेजी जाती है। इसलिए अगर आप ये दवाएं प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन फार्मेसी पर या अपने नज़दीकी मेडिकल स्टोर पर संपर्क कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि इन दवाओं का सेवन हमेशा हमें खाली पेट करना चाहिए, जबकि हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद ना हो। इससे ये दवाएं अपने पूर्ण प्रभाव के साथ काम अच्छे से कर पाती हैं।